विदिशा जिले में बेमौसम बारिश ने जहां किसानों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं जिले में खरीदी केंद्र की व्यवस्था की पोल भी खुलने लगी है। ऐसी ही एक तस्वीर ग्यारसपुर के पास सतपाड़ा कला तुलाई केंद्र तहसील त्योंदा पर देखने को मिली, जहां तेज आंधी और बारिश के कारण खरीदी केंद्र के प्रांगण में रखा हजारों क्विंटल गेहूँ खराब हो गया। वहीं जिम्मेदार लोग अपनी गलती छुपाने के लिए अब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आए थे आपके यहाँ पर सतपाड़ा उपज केंद्र पर गेहूँ की, तो आप अपने घर से व्यवस्था पन्नी के लेकर आए थे? हाँ, घर से नहीं लाए थे, फिर गाड़ी से मंगवाई, पानी आ गया। अच्छा, तो तुलाई केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं है क्या, जो वहाँ पर तुलाई की जा रही है आप लोगों किसानों की, ये पूरी खुलने में पड़ी है? नहीं, पन्नी मन्नी कोई व्यवस्था कोई नहीं है, अपनी अपनी करें किसान। अच्छा, अपनी अपनी करें किसान। कितना क्या तुलवाने के लिए आए आप, कितना आपका एस एम एस कितने क्विंटल का है? 95 क्विंटल का जी। तो आप कौन से गाँव से आए? इनाथपुर गाँव से। इनाथपुर कब आए थे आप? कल आए थे। कल से अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आ गया, तुलाई चालू हुई थी, ये बारिश होने लगी जी, नहीं तुल पाया। लगभग कितना क्या पानी गिरा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना गया? 20 मिनट गिरा सर पानी। ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, फसल गीली हो गई, जो पन्नी जो रखी हुई यहाँ पर बोरियों में जी सर, हो गई गीली, ऐसी भी हो गई जो पानी, ये पन्नी साबित नहीं है, ये किसानों की हो गई जी। नहीं, तिरपाल है ना सर मेरे पास में, 100-150 बोरी तक का ढकता है, उसे बाल ढक लेता हूँ मैं, सिलाई हो जाती है तो फिर लोडिंग करवा देते हैं जी। जैसे एकदम से गाड़ियों में मैंने तैयार लगवाया था चढ़वाने के लिए, उसमें पानी आ गया जी, जी। तो थोड़ा सा रुक गया है, बाकी मैंने जितना माल था सिलवा करके ढक दिया था। तुरंत तो किसानों ने अपना वो माल भर के रख लिया, तुलाई नहीं हुई उनकी, जितनी वाली हमने जो तोली है वो तो हमने सिलवा दी है, किसानों ने अपना माल भर के रख लिया है बोरी में जी। सरकार थोड़ी आगे करेंगे, आपकी जिम्मेदारी केंद्र पर गाड़ी की व्यवस्था करना। हाँ, तो वो तो हम माल लेने तोल रहे हैं और भरवा करके भिजवाते जा रहे हैं। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।